वर्तमान तथा बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर राज्य रे आउ 48 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती एवं मोट आक्रांत संख्या 876 को वृद्धि पाइछि। कोरोना संक्रमित तालिका रे नुआ करी जोड़ी होइछि कंधमाल जिला एवं कंधमाल रे प्रथम थर पई 2 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। 48 नुआ आक्रांत को मध्यरु केवल गंजाम जिला रु 15 पॉजिटिव अछंती। एमानकु मिसाई गंजाम जिला रे मोट संक्रमित संख्या 307 रे पहुंची सरलेनी, जहां की राज्य रे सर्वाधिक। सेपरि जाजपुर रो 16, पुरी रे 4, केंद्रापड़ा रे 3, नयागढ़ रे 3, बलांगीर रे 2 जण नुआ संक्रमित चिन्हट होइछंती। जाजपुर रे 16 नुआ पॉजिटिव को मिसाई जिला रे आक्रांत संख्या 137 रे पहुंचीछि। पुरी रे मोट आक्रांत संख्या 29 रे पहुंचथिया बेले केंद्रापड़ा रे 30, नयागढ़ रे 9, बलांगीर रे 6 कु वृद्धि पाइछि संक्रमित संख्या। वर्तमान बड़ खबर राज्य रे 48 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती एवं मोट आक्रांत संख्या 876 को वृद्धि पाइछि। प्रथम करी एई संक्रमित तालिका रे नुआ करी जोड़ी होइछि कंधमाल जिला एवं कंधमाल जिला रे प्रथम थर पई 2 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। जो नुआ 48 आक्रांत चिन्हट होइछंती ता मध्यरु केवल गंजाम जिलारु अछंती 15 पॉजिटिव एवं गंजाम जिला रे वर्तमान 15 पॉजिटिव को मिसाइला परे मोट संक्रमित संख्या पहुंची सारिछि 307 रे, जहां की राज्य रे सर्वाधिक। अधिक आलोचना पई फोन लाइन अछि हम प्रतिनिधि अजेश मल्लिक। अजेश, वर्तमान जो बड़ खबर 48 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती, एमाने केमिति संक्रमित हेले, माने क्वारंटाइन रे थिले कि नाही, से नै किछ तथ्य मिलिलानी कि विभाग तरफ रु? निश्चितभावे देखंतु बंदिता, आज कहबा आज सकाळे नुआ 48 जण चिन्हट होइछंती। ए 48 आपण जदि कहबे 48 थ्रू प्राय 47 जण क्वारंटाइन सेंटर रे थिले एवं जड़े जेल रे थिले, जे कि पुरी रे गतकाली मध्ये एने जिला प्रशासन मध्ये स्पष्ट करितला कि सेमन से जेल रे थिले एवं गतकाली 4 जण, आज जो 4 जण इसे गतकाली से नै मध्ये पुरी प्रशासन जिला प्रशासन मध्ये तथ्य रखितला। अर्थात आज मोट मिसई 876 राज्य रे संख्या पहुंचिछि। यार भीतर देखंतु आपण जेमती गंजाम तथ्य दोथिले, गंजाम 15 को मिसई आज संख्या 300 पार करछ, अर्थात 307 रे पहुंचिछि। सेभली जाजपुर कथा कहिबा, जाजपुर मध्ये क्रमागत भावे बढ़ी चलिए, कारण 137 आज 100 को मिसे प्राय 137 पहुंचला। किंतु देखो आउ इयर भितर गोटे कथा होची, बर्तमान कंधमाल जिला आज 2 ये संक्रमित जिला तालिकार जोड़ी, अर्थात 23 नंबर जिला भावे आज कंधमाल जिले में सामिल होती। इस भी कहुई पार्ब जो 48 जन रु 47 जन क्वारंटाइन सेन्टर में चिन्हट होती, निश्चित भाव एटा गोटे शुभ संकेत बा भल सूचना बोली कहुई पार्ब, कारण प्रशासन पर राज्यवासियों पर, कारण जैसे क्वारंटाइन सेन्टर भितर चिन्हट होती से ट्रेस आउट करवा, जी संस्पर्श देखिए आसान ट्रेस आउट करवा प्रशासन पर सुविधा हे। निश्चित भाव देखो यही संख्या पर जब आम हिसाब करवा, संख्या तो क्रमगत भाव बढ़ी चलती, आप राज्य में संख्या देखो क्रमगत भाव बढ़ी चलती। 1 तारीख टू आज जाए बर्तमान 1 तारीख जो आपंकर संख्या थिला मात्र के 143 विभाग तरफ वर्तमान सविशेष तथ्य मिली ना कि क्यों मानक संस्पर्श आसते कि क्यों लिंक थिला से नहीं किसी स्पष्ट सूचना आसी ना, आउ किस समय पर ही स्पष्ट भाव में जना पड़ज। धन्यवाद अजय सविशेष आलोचना पई। एवं राज्य में आउ 48 जो कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती से कंधमाल जिला, जहां कि कोरोना संक्रमित तालिकार नुआ करी जोड़ी होई छि कंधमाल जिला एवं कंधमाल रु प्रथम थर पई 2 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती, नहीं कि सीधासलख अपडेट ने फोन लाइन अच्छे हम कंधमाल प्रतिनिधि बालकृष्ण चर्ची। बालकृष्ण, प्रथम करी कंधमाल रु 2 जण कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेले, सेमानक संपर्क रे किछि तथ्य मिलुछि कि विभाग तरफ रु? देखो आज आक्रांत तालिका रही है, तो बर्तमान पर्यटन कंधमाल जिलार प्रथम थर पर 2 जन कोरोना आक्रांत संख्या वृद्धि पाई, 2 जन बाहर चली प्रथम थर पर बर्तमान आम जिला सहित आलोचना करूँ, तो बर्तमान जो मानते कंधमाल जो 2 जन आक्रांत होते चेन्नई आक्रांत बोली सुनवाक मिलती, बर्तमान चेन्नई रु आसा से कंधमाल जिला फेरींगिया ब्लक रतन क्वारंटाइन बर्तमान जो पॉजिटिव टेस्ट पाई जाए 2 जन कोरोना आक्रांत बोली जहां जमापड़ी, कितु बर्तमान पर्यटन
जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए प्रतिनिधि किंतु जहां ताजा तथ्य आसी कोरोना संक्रमित तालिकार नुआकरी जोड़ी होती कंधमाल जिला और कंधमाल प्रथम थर पर दुई कोरोना आक्रांत चिन्हट होती जहां मो प्रतिनिधि सूचना देते उभय चेन्नई फेरता तेज दुईज क्वारेटाइन सेन्टर थे जितेबाला स्वाब टेस्ट कर उभयर पॉजिटिव बोली स्वाब रिपोर्ट आसी जहाँकि वर्तमान 48 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती आज राज्य में मोट आक्रांत संख्या 876 पहुंची सारी पूर्व 22 जिला थिले कोरोना संक्रमितों तालिकार वर्तमान से आउ गोटे जिला जोड़ी होती कंधमाल जिला 23 पहुंची सारी कोरोना संक्रमित तालिका संख्या एवं कंधमाल प्रथम थर पर दुईज कोरोना आक्रांत चिन्हट होती 48 नुआ आक्रांतों मध्य केवल गंजाम जिलूर अच्छा 15 पॉजिटिव एवं गंजाम रे 15 जन को मिसाइला वर्तमान 307 पहुंची सारी पॉजिटिव का संख्या जहाँकि राज्य में सर्वाधिक ताद 256 आक्टिव केस या बेले दुई जनकर मृत्यु होई 49 जन रिकवर कर सारी सुस्थ हो सारी एवं गंजाम तल को देखा जाजपुर अच्छी 137 जन संख्या सह एवं से 82 आक्टिव अच्छी एवं रिकवर संख्या अच्छी सुस्थ हो फेरी घर को 55 जन माड़ी आसुच्छ बात्या अम्फन अति अति भयंकर रूप धारण करने आगक माड़ी चली अम्फन एवं महावात्यार रूप नेब अम्फन आसंता 12 घंटा रे महावात्यार परिणत हो पारे अम्फन एभली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग इस समय घंटा प्रति 220-230 बेगरे पवन बहिबो यापर वृद्धि पाई राति 230-265 किलोमीटर पर्यंत छुइंब परे यहाँ पुणि ह्रास पाइब गत 6 घंटा धरी अम्फन 13 किलोमीटर बेगरे स्थलभाग आड़ को मुहाई या उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिगरे गति करुच्चे पारादीप 790 किलोमीटर दूर से केन्द्रीभूत होपर दीघा 940 किलोमीटर और खेपपरा 1060 किलोमीटर दूर रही बात्या आसंता 20 तारीख में पश्चिमबंग दीघा और बांग्लादेश हाथिया स्थलभाग छुईबार संभावना अच्छी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म रूप से स्थलभाग छुईब अम्फन यह समय पवन बेग घंटा प्रति 155-165 किलोमीटर रर्वाधिक यह 185 किलोमीटर थी सूचना देती भारतीय पाणिपाग विभाग ओडिशा रे समय 110-135 किलोमीटर बेगर पवन बहिब अम्फन प्रभाव में आज संध्यारु उपकूल ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो गंजाम गजपति पुरी केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर प्रबल वर्षार आशंका रही काली उत्तर ओडिशार 6 जिले में प्रबल वर्षार आशंका रही ये 6 जिला है जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर और मयूरभ समुद्र अशांत थी मत्स्यजीवी को 20 तारीख पर्यंत समुद्र जावाक बारण कर समय 3 मीटर उच्च लहरी उठार आशंका रही बात्यार प्रभाव में कच्चा और किण छपर घर क्षतिग्रस्त हो विद्युत सेवा प्रभावित होगा बड़ बड़ गच्छ भांगि पड़ार आशंका रही बंगाल में जो साइक्लोन अम्फन डेवलप हुआ है वो आज 2:30 बजे एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टर्म में परिणत हो गया है और ये धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और 12 घंटे के अंदर यह एक सुपर साइक्लोन स्टर्म में परिणत होने का हमारा उम्मीद है और ये अभी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा और 20 तारीख को आफ्टरनून में या इवनिंग को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हतिया आइलैंड के बीच में पार करेगा जब ये पार करेगा तब इसका विंड स्पीड 155-165 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर आवर हो सकता है। इसके प्रभाव ज़्यादा तक वेस्ट बंगाल में रहेगा और इसके बाद नॉर्थ उड़ीसा में रहेगा। जैसे वेस्ट बंगाल का साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर, कलकत्ता, हुगली आदि डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इसके साथ साथ नॉर्थ उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर, इसमें भी इम्पैक्ट रहेगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 110-135 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है नॉर्थ कोस्ट ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पे। आसंता 12 घंटा रे महावात्यार रूप नेब अम्फन एवं ए नै कि विभिन्न अंचल को वर्तमान अलर्ट रखा जाइछि जिला प्रशासन हुंतु कि राज्य सरकार समस्ते सतर्क दृष्टि रखिछन्ति बात्यार मुकाबला दिगरे सीधासळख तथ्य नेबा सीधासळख जिबा न्यूज रूम को सेटा अछन्ति मो सहयोगी रश्मिता। रश्मिता वर्तमान अम्फन रो कोन केमति गतिपथ डायरेक्ट करूछि एवं स्पीड केमति रहिबो पवन रो वेग केमति रहिबो एवं वर्षा रो केमति कोन प्रभाव रहूछि।
निश्चित भाव बंदिता जदि देखा जा वर्तमान अम्फन जो प्रकार गति रही जहाँ देखुला जहाँ आम कहूल जो उत्तर दक्षिण पारादीप ठार 790 किलोमीटर दूरतार रही जहाँ कह जा आज संध्या सुधा यह महाबात्या जो सुपर साइक्लोन रूप नेब देखिपुंट से ही समय जो पवन रेग रहा कह समुद्र भितर से ही समय 220-230 पर्यंत पवन रेग रहा क्रमशः भाव 255 पर्यंत बढ़िबार संभावना रही जो सुपर साइक्लोनटा कह जा आसंता काली 5:30 पर्यंत सुपर साइक्लोन रूप से ही रहा जो समय समुद्र पवन 220-230 क्रमशः भाव 255 पर्यंत बढ़िबार संभावना रही प्रति घंटा विजय जदि कह जो समय लैंडफॉल कर जहाँकि पूर्व कह जा दीघा एवं हाथी अंचल मझीरे यह लैंडफॉल कर जो पूर्वमान कर समय साइक्लोन रो स्थिति कह समय यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नब ए पवन रेग से समय रु 145 पर्यंत रझी मझीरे 170 पर्यंत बढ़िबार संभावना रही यार प्रभाव विशेषकर जदि ओडिशा कह तेज आप देखिपुंट 18 तारीख आज सन्ध्यारु विभिन्न जगह विशेषकर कोस्टल ओडिशा यार बर्षार प्रभाव रिसे गजपति गंजाम पुरी जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट विभिन्न जगार वर्षा हबार संभावना रही 19 तारीख जदि कह तेज विशेषकर 19 तारीख यार प्रभाव उत्तर जो उपकूल अंचल कह जाठी अधिक रगत जो रोच जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज यही सब डिस्ट्रिक्ट कहीपर जे निश्चित भाव यार प्रभाव अधिक देखा मिले जेहेतु सुपर साइक्लोन रूप कह जा समुद्र भितर यह बर्तमान कह भी आपको आई फॉर्मेशन हो जो आई को आम देखो आप जो आई फॉर्मेशन कह जा स्पष्ट भाव में देखा जा जो आईटा रही यार जो डायमीटर रोचे से 20 किलोमीटर पर स्पीड रोचार निश्चित भाव अधिक तीव्र रूप भी हो पाए कि लैंडफॉल भले जहाँ सूचना रही लैंडफॉल भले यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे रहिबो जो जहाँ को नहीं कि पानीपाग विभाग पक्ष सतर्क सूचना दि जाए स्पष्ट भाव में जदि देखे आम आप चित्र देखे पारूँ एतिक अंचल रही जोटा कि आई फॉर्मेशन भितर रही यार इफेक्ट निश्चित भाव ओडिशा और पश्चिमबंग विशेषकर ओडिशा जो उपकूल अंचल कह जाठी यार प्रभाव रखिपुंट ये कोन स्ट्रक्चरटा कराइए जना पड़ी जो बात्यार जो डिस्टेंस रहा के पर्यंत एरिया को कवर कर जो थी कि ओडिशा रा एही भागटा देख पार्टी जदि देखे ओडिशा रा एही भाग रोचे एतिक पर्यंत ओडिशा रा एटा कवर होके आसुची आउ एही जो दिगटा रही रोचे साइक्लोन रो गतिविधि जोटा वर्तमान जदि कह साइक्लोन रो गतिविधि रे जो दिग को जाऊची जहाँ कह जा पारादीप ठार 790 किलोमीटर दूरतार रही देखिपे जो दीघारू रही दीघारू जहाँ कह जा दीघारू 990 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दीघा आड़क रही तेरे विंड स्पीड निश्चित भाव से ही समय अधिक रेहेतु सुपर साइक्लोन रूप ने समुद्र भितर आहार जो प्रकार तीव्रता रोचे समुद्र भितर बहुत अत्यधिक भाव में पवन रेग क्रमशः भाव में कहुई 255 पर्यंत पहुँचार संभावना रही तेरे 19 तारीख पर्यंत सका 5:30 पर्यंत सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नबार सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे ही रही किसी समय पर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म को कमी आसो जो समय लैंडफॉल कर जहाँ आम कहूँ से समय वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रही पवन रेग जदि मुझे कह सही समय रोचे आप देखिपुंट 145-155 रोचे जहाँकि क्रमशः भाव बढ़िबार संभावना रही 170 पर्यंत पहुँची पारे एवं 21 बेलू यह कमी आसो तो बर्तमान सुधा जहाँ बात्यार सूचना रही यार दिग को लेकिन आज सन्ध्या 5:30 पर कोस्टल ओडिशा विशेषकर पवन एवं वर्षा हम एवं आसंता काली 6 डिस्ट्रिक्ट जहाँ कह जा 6 जिला से विभिन्न जगार अधिक वर्षा हबार संभावना रही बंदिता बिल्कुल धन्यवाद रश्मिता सविशेष आलोचना वर्तमान जेहेतु आई फॉर्मेशन हो सारी आसंता 12 घंटा रे महाबात्यार रूप नेब अम्फन एने पूर्वानुमान भारतीय पाणीपाक विभाग कर सारी समस्त नजर अच्छी वर्तमान तार गतिपथ किसी गतिपथ परिवर्तन होउछि कि नाही एवं से समय पवन रेग कौन केमती रहिबो नजर अच्छी
विंड स्पीड आम एक्सपेक्ट करूँ सबुठार अधिक रोड़े तारीख में आपण उत्तर उपकूल जिला जो गुड़ी भद्रक बालेश्वर ताछा उत्तर आभ्यंतरण मयूरभंज एवं रोचे आप केन्द्रापड़ा जाजपुर यही जिले में आपंकर विंड स्पीड रोक 110 रु 120 गोस्टिंग अप टू 130 किंतु आपंकर जोटा रोचे जो उत्तर उपकूल कटक जिला रहा आप रोचे जगत सिंहपुर रोचे पुरी रोचे खोर्धा जिला जोटा कि रोचे दक्षिण उपकूल यही जगह आपंकर रोचे विंड स्पीड रोक आप पाखापाखि 65 रु 55 रु 65 गोस्टिंग अप टू 75 किलोमीटर रोक बे अफ बेंगल जो एंट्री कर तार स्पीड आहरी वृद्धि पाव लैंडफॉल पूर्व आपन इवेन 20-21 किलोमीटर वेग में मूव कर संभावना रही तेणु ओडिशा आप जो उपकूल अच्छी जो 6 जिला अच्छी पाखापाखि आप 100 किलोमीटर आपंकर लेंथ रोचे 100 रु 200 किलोमीटर पाखापाखि तो आम एक्सपेक्ट करखापाखि 5 घंटा कि 3-4 घंटा पर्यंत रियलाइज होबार संभावना रही पूरी कटक खोर्धार यही सब जगह आप पवन अनुभूत हो कि पवन परिमाण बहुत रिलेटिवली कम रोज जोटा कि कहती 75-85 गोस्टिंग अप टू 95 रोबार संभावना रही गत काली डिस्टेंस वार्निंग सिग्नल जोटा थी आप दुई से अपग्रेड कर पूरी आ गोपालपुर आप रही लोकाल कसनारी सिग्नल 3 रखाई है तार हाइट साइड जोटा रही आप लोकाल वार्निंग सिग्नल जोटा कि 4 रोचे आपटा आपर रोचे आप चांदवाली और पारादीप जो एक्सपेक्टेशन अच्छी रिलेटिवली अधिका डैमेज हम से आप पारादीप आउ चांदवाली जोटा धामरा पाखापाखि जारी कर अधिक आलोचना सीधासल जवा प्रतिनिधि निरुपमा बेहरा पाखक निरुपमा वर्तमान 12 घंटा समय रहा आसंता 12 घंटा जो आलर्ट कर भारतीय पापाग विभाग तरफ महावात्यार परिणत होम्पन एवं गति तार वृद्धि पाव परवर्त समय स्थलभाग आड़ जो गति कर किंतु भारत जो सब अंचल वर्तमान कवर करी आसुची टच लैंडफॉल करिबा पूर्वर ओडिशा उपरे कौन के प्रभाव पड़े उपकूल अंचल एवं उत्तर उपकूल कथा जो कथा कहा जाउथला जिला गुड़िया कथा से सब अंचल केमिति कौन प्रभाव अनुभूत हेबो कि सूचना मिलला कि निश्चित भाव में बंदिता आम जदि कह वर्तमान ओडिशा मुहां होउची बात्या अम्फान जेतेबेले बांग्लादेश आड़क मुहाइब एवं ओडिशा उपकूल दे गति कर यह पूर्व जदि आम कह महावात्यार रूप नेब जहाँ कहुच आज संध्या सुधा निश्चित भाव में सुपर साइक्लोन महावात्यार रूप नेब यह समय जदि आम कह समुद्र मध्य पवन रेग जदि आम कह 230-240 किलोमीटर घंटा प्रति पवन बोहब समय समय 265 किलोमीटर बेगर मध्य पवन बोहार जहाँ रही जो कथा कहुची जे आसंता काली यार प्रभाव रहिबो किंतु जेतेबेले स्थलभाग छुईबो सेतेबेले यार प्रभाव कम रही निश्चित भाव में एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन बा अति भीषण सामुद्रिक झड़र रूप नब तेबे निश्चित भाव में जेतेबेले ओडिशा उपकूल दे यहा गति करुची ते निश्चित भाव में उपकूल ओडिशा और उत्तर ओडिशा रे यार प्रभाव अधिक रहिबो एवं जो भली भाव में कहुची जे पाखापाखि उत्तर ओडिशा रे विशेष करी बालेश्वर भद्रक मयूरभंज कथा कहिबा जाजपुर कथा कहिबा सेठी पवन बेग 120 किलोमीटर रु 130 किलोमीटर पर्यंत रहिबो जहाँ कहा जाउछि 20 तारीख दिन किंतु जदि आम आसंता काली कथा कहिबा आसंता काली महावात्यार रूप नहीं ही ओडिशा उपकूल दे किछि गति करिबो एणु आसंता काली उपकूल ओडिशा गुड़ी ऑरेंज अलर्ट दिया जाइथिया बेले प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली कहा जाइछि उपकूल जिला गुड़िक जदि विशेष करि आम देखिबा जो कथा कहुथले जे केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूर यही सब जिला गुड़िक प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो एवं पवन बेग 75-85 किलोमीटर और समय समय 95 किलोमीटर रहिबो सेई भली भाबरे कटक पुरी खोर्धा रे जदि मध्ये आमे देखिबा 60-80 किलोमीटर मध्ये पवन बहिबो एवं प्रबल वर्षा हेबारु जहाँ अनुमान मध्ये करा जाउछि वर्तमान स्थितिरे किंतु जेतेबेले या ओडिशा उपकूल दे बांग्लादेश आडे मुहाइबो एवं जहाँ पूर्वानुमान करा जाइछि जे दिघारु हातिया मध्यवर्ती अंचल रे स्थलभाग छुईब यार प्रभाव सामान्य कम रही थी महावात्या कम रही अति संध्या सुधा महावात्यार परिणत हेबो अम्फान एवं पूर्वर जो सब वर्तमान पर्यंत जो सब विभाग तरफ जो सब अनुमान करा जाइछि से सब अनुमान हुए तो किसी परिवर्तन हो पारे किंतु प्रभाव किछिटा अनुभूत हेबो उत्तर उपकूल अंचल रे उत्तर उपकूल जिले रे एवं उपकूल जिला मानक रे प्रभाव अनुभूत हेबो एवं प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै केतोटी जगह को वर्तमान पर्यंत अलर्ट करा जाइछि धन्यवाद निरुपमा सविशेष आलोचना पई।
ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 3 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 20 ଟିମ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ ମହାବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। एसपी कलेक्टर खूब मिसिके काम करूछंती हमर मैक्सिमम पूरा इंडिया उड़ीसा रे जे एनडीआरएफ टीम अच्छी किंबा ओडीआरएफ टीम अच्छी से डिप्लॉय होइछंती बालासोर रे। एसपी कलेक्टर मिसिके ता डिप्लॉयमेंट प्लान फाइनलाइज करिछंती। जो एरिया वल्नरेबल अच्छी से की इवैक्यूएशन आरंभ हेबो। आज मु पूरा कॉन्फिडेंट अच्छी हमर उड़ीसा शासन रो खूब भलो एक्सपर्टाइज अच्छी डिजास्टर मैनेजमेंट पाई खूब भल कमिटमेंट अच्छी। मुझे आज देखिली एंड मिसिली बालासोर जे ऑफिसर्स अच्छा कलेक्टर था एसपी था डीआईजी था बाकी पुलिस स्टेशन लेवल ऑफिसर था समस्त को खूब भल डिटरमिनेशन अच्छी ये साइक्लोन रो इंपैक्ट को जमीका ह्यूमन इंटरवेंशन से मिनिमाइज करी हो। सर हमर केतरा एनडीआरएफ टीम अच्छे केतरा ओड्राफ टीम अच्छे केतरा फायर टीम अच्छे काम करबे को एरिया रे काम करबे ये स्पेसिफिक कथा एसपी डीआईजी अपन कहि पारिबे। आज दिन में जोड़िए एनडीआरएफ टीम एवं तीन टा ओडर टीम लगी बट पूरे टीम रिजर्व रे भी अच्छी दरकार हेले सेंशन करा जाई पारी। आलोचना पर फोन लाइन में अच्छा प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति। सत्यजित वर्तमान संभाव्य बात्या को मुकाबला करिबा पई केते प्रस्तुत अछंती बालेश्वर प्रशासन एने की पुलिस डीजी कौन सब आलोचना करिछंती। निश्चित भाव में देखो बंदिता जो भाव पुलिस डीजी आज गस्त था मुख्यतः प्रथम पुलिस डीजी पहुंचा पर जो डीआईजी ऑफिस रे आलोचना करते जो थे कि ईस्टर्न रेंज डीआईजी थे एसपी थे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी पाक आरंभ कर डीएसपी पर्यटन समस्ते थे आलोचना करपर ओड्राफ टीम सह निजे डीजी आलोचना करते ओड्राफ टीम जो अधिकारी अच्छा सीधा सड़क डीजी कथ होते पचारि बुझीते मुकबिला प्रस्तुत अच्छे मनोबल बढ़ाई थे जहां उद्देश्य मुख्यतः रही जो बात्या पर जो डैमेजेस हम से सब कि रिकवरी सांगे सांगे करहब जो गच्छ पड़ोता किभली कटाज पोल उपड़ी पड़े तार छिड़ पड़े सेगुड़ी कमी सांगे सांगे रिकवरी हम ये सब जो ओड्राफ एनडीआरएफ अग्निशम विभाग जो मुख्य भूमिका था से नहीं सी आलोचना करते तापर गणमाम सूचना देते कि मुख्यतः तरह डीजी कहवा अनुसार जनोट ओड्राफ टीम प्रस्तुत अच्छी 2 एडिशनल एनडीआरएफ टीम पहुंचे ता सहित टीम कटक महजूद अच्छा आवश्यक पड़े जिते संख्यक आवश्यक पड़ो से पुलिस गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रोक लोक स्थानांतरीकरण करवा लोक आत्या आश्रय स्थल रखा सुरक्षित स्थान में रखा और समझे सामाजिक दूरता गोटे बेस गुरुत्वपूर्ण रोचे तेनाली मेन्टेन हो पार लॉ एंड ऑर्डर मेन्टेन हो पार कौन प्रकार असुविधा हमें एने पुलिस गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रोक तेणु यह सबू दिगे पुलिस डीजी समीक्षा करते जहां सूचना देते हैं जिला प्रशासन व्यापक प्रस्तुत करते संतुष्ट अच्छा जिला प्रशासन जो भाव में प्रस्तुत करश्चित भाव में मुकबिला कर सक्षम हम जो प्रकार परिस्थिति आसो ताको मुकाबला करा जाई परिबो। तबे बात्यार कौन प्रभाव रहिबो से नै तो डीजी किछि सूचना देनथिले किंतु कहिथिले जो भाव में पानीपाग विभाग सूचना अच्छी जहां भी प्रभाव पड़ो ताकू नहीं बालेश्वर संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अच्छी। साधारण तो उत्तर बालेश्वर जो अंचल रोचे भोगराई हो बालियापाल ये जो समुद्रकूलिया अंचल गुड़िक रहा एटी अधिक टीम मुतयन हे से प्रस्तुत हो रही है आज स्थानांतरीकरण आरंभ हम जो भाव में 290,000 अधिक लोक रोच्च समुद्र कूल अंचल तलिया अंचल कच्चा घरे अधिकांश लोक रोच तो से फोकस रोक कि भाव में सेठू स्थानांतरीकरण प्राथमिकता दि जाऊँच जो मैंने अधिक कच्चा घरे जो रोचान जो मर अधिक आशंका अच्छी डैमेजेस हमारे से सब स्थान लोक स्थानांतरीकरण होता सहित देखो जिला प्रशासन बर्तमान गुरुत्वपूर्ण मीटिंग आरंभ हो जाए समस्त एटी वरिष्ठ अधिकारी अच्छा डीजी जो भाई सूचना देते आज लोक स्थानांतरीकरण कारण काल वर्षा आरंभ हो तेणु आज जो स्थानांतरीकरण होने का किसी असुविधा हेबना तेनाली पूर्व पूरा व्यापक प्रस्तुति कर जिला प्रशासन पक्षर और निजे डीजीपी आज भिजिट कर सूचना देते पूरा प्रस्तुत अच्छी जिला प्रशासन जोको परिस्थित मुकबिला करने अग्निशम विभाग हूँ ओड्राफ हूँ एनडीआरएफ हूँ मुतयन है विभिन्न जगह को गले प्रस्तुत हो गले जेकोसी परिस्थिति में मुकबिला करेंगे कौन प्रकार परिस्थित को मुकबिला करने सहित आ गए कथ देखु जो बर्तमान 140 बात्या आश्रय स्थल 58 क्वारंटाइन सेंटर होता है
ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି 586ଟି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଘର ଏବଂ ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିକରଣ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନୂଆ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ, ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 558ଟି ସ୍କୁଲ ଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରା ବ୍ଲକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଧାମରାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସଜାଗ ଅଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।